Good morning students, welcome back my online classes. Today I will teach you chapter number 12, houses and neighborhood. Houses means today I will tell you different types of houses and neighborhood. What is the meaning of neighborhood? You know, I think means a neighborhood is one of the parts of a town where people live together. Means a neighborhood is one of the parts of a town where people live together. Means that is called a neighborhood. To see the first paragraph, we all need shelter to protect ourselves from harsh weather like heat, cold and rain, and from animals and thieves. तो we all need shelter. Shelter means आश्रय, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उसको shelter बोलते हैं, आश्रय. तो we all need shelter to protect ourselves from harsh weather like heat, cold and rain, from animals and thieves. तो हमको जैसे bad weather condition है, कभी ज़्यादा गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बारिश हो रही है, और वाइल्ड एनिमल्स मींस जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, चोरों से सुरक्षा के लिए, तो हमें एक आश्रय की ज़रूरत होती है, एक शेल्टर की ज़रूरत होती है. तो आवर हाउसेस वेयर वी लिव इज़ आवर शेल्टर. तो यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली दैट इज़ कॉल्ड आवर शेल्टर. We'll relax and live comfortably with our family in our houses. We relax and live comfortably with our family in our house. I mean to say students, हम अपने परिवार के साथ अपने घरों में आराम से रहते हैं, और अपने घरों में आराम मतलब कि comfortable feel करते हैं, आराम महसूस करते हैं. My family, many families living close to each other make a neighborhood. Already I told you students, a neighborhood is one of the parts of a town where people live together. Means such conditions are called a neighborhood. Means a neighborhood is one of the parts of a town where people live together. To see, people build different types of houses depending upon. So when people build a house, so means that houses depending upon. जब लोग घर बनाते हैं तो उन घर, वो घर जो हैं किस पे मतलब depend होते हैं, उनका मुख्य आश्रय क्या होता है, क्या सोच के अपने मन में वो घर को बनाते हैं. The climate of the place. Means first they think about the climate of a place. मतलब कि जहाँ पे वो घर बनाने वाले हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मतलब कि गर्मी कितनी पड़ती है, और कोल्ड मीन्स ठंडी कितनी पड़ती है, बारिश कितनी होती है. तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर जो है हम भवन का निर्माण करते हैं, घर का निर्माण करते हैं. द मटेरियल्स अवेलेबल मीन्स व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल देयर. द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंट, द हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड ऑन हाउसेस. तो दीज थिंग्स कीपिंग इन माइंड पीपल बिल्ट हाउसेस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हैव डिफरेंट नेम्स. तो इन बिगिनिंग आई टोल्ड यू there are different type of houses and they have different names. To see here, Kesu is a beggar. Kesu jo hai ek bhikari hai. He lives in a sack made of waste materials such as tins, sheets, broken pipes, drum, cloth, newspapers,
प्लास्टिक सीट एंड वुड पीसेस। केसु एक भिखारी है जो कि एक झोपड़ी में रहता है, जो कि झोपड़ी वेस्ट मटेरियल से बनी है, जैसे टिन सीट हो गया, ब्रोकन पर टूटी हुई पाइप हो गया, ड्रम हो गया, कपड़े, समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर होते हैं, प्लास्टिक सीट, तो इन चीज़ों से ये घर बना हुआ है और केसु उसी में रहता है। तो इस तरीके के हाउस को हम शैक हाउस कहते हैं। क्या हाउस कहते हैं? शैक हाउस कहते हैं, जिसमें कि केशु रहता है। तो ही इज़ ए वेगर और वो जो है एक भिखारी है। तो सी दीपा, तो सी अबाउट दीपा, दीपा लिप्स इन ए कोजी कोटेस इन शिमला। दीपा जो है एक कोटेज में रहती है, कोटेज भी एक 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 प्रकार का घर है जो कि शिमला में है। शिमला हैज़ ए कोल्ड वेदर कंडीशन देयर, सो ड्यूरिंग विंटर सीजन स्नो फॉल्स देयर, सो स्नो स्लाइड्स ऑफ द स्लोपिंग रूफ, थिक स्टोन्स वॉल्स कीप द हाउस वार्म। तो देयर द वॉल ऑफ हाउसेज मेड ऑफ थिक, सो इट मीन्स थिक स्टोन वॉल्स कीप द हाउसेज वार्म। तो इसको जो है हम कॉटेज हाउस कहते हैं। फिर देखिए, हरीश एंड हिज फैमिली बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ नोमैड्स, मीन्स हरी और उसका परिवार बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ नोमैड्स। नोमैड्स हु आर कॉल्ड नोमैड्स मीन्स द पीपल हु वांडरिंग टू एंड फ्रो इन सर्च ऑफ फूड, बेसिकली इन डेजर्ट रीजन, दे वांडरिंग टू एंड फ्रो इन सर्च ऑफ फूड, तो दे आर कॉल्ड ए नोमैड्स। तो दे लिव इन ए टेंट, मीन्स द नोमैड्स लिव इन ए टेंट। ए टेंट इज मेड ऑफ ए सीट ऑफ कैनवास और नायलॉन ड्रैप्ड ओवर ए फ्रेम ऑफ पोल्स। तो जो ये टेंट होता है वो एक कैनवास से बना होता है और या नायलॉन की रसरियाँ लगी रहती हैं, फ्रेम लगे रहते हैं, उसमें उस रस्सी को बांध दिया जाता है। तो इस तरीके से जो नोमैड्स होते हैं वो टेंट में रहते हैं। एंड हिज अंकल्स फैमिली लिव इन ए कारवन, इट इज़ ए हाउस ऑन व्हील्स, और उसके चाचा का जो परिवार है वो एक कारवन में रहता है। कारवन मतलब कि एक जो कि एक गाड़ी होती है और उस गाड़ी पे घर बना होता है, मीन्स इट इज़ ए हाउस ऑन व्हील्स। तो हियर स्टूडेंट्स यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यू सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। आई टोल्ड यू अबाउट शैक हाउस, मीन्स सच टाइप ऑफ हाउसेस आर मेड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, कोजी कॉटेज एंड टेंट, कारवंस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग चैप्टर, आई विल टेल यू लेटर।